अपने अंतःकरण की शांति के लिए और आने वाले मानवता के कल्याण के लिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा एक ज्ञान यज्ञ भी है, क्योंकि यह मोक्ष से जुड़ी हुई कथा है, मुक्ति से जुड़ी हुई कथा है। हम धाम दर्शन करने जाते हैं इसलिए जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। हम लोग तीर्थों में जाते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई दान करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। हम कोई यज्ञ करते हैं इसलिए हमें मुक्ति मिल सके। मुक्ति मोक्ष का ही पर्याय है, और मोक्ष का मतलब, मुक्ति का मतलब जिस संकल्प के साथ हम पढ़े हैं उसमें पारंगत होना, पास हो जाना। अलग अलग श्रेणी के व्यक्ति के लिए मुक्ति की अलग अलग व्याख्या हो सकती है। एक सन्यासी के लिए जन्म मरण के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाना, एक सद्ग्रस्त के लिए उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों का अच्छा फल उसे प्राप्त हो जाए, एक सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा काम उसने किया है उसका प्रमोशन समय पे हो जाए, एक विद्यार्थी के लिए उसने मेहनत की तो उसकी मेहनत का परिणाम उसके अनुकूल आ जाए। यही मुक्ति का पर्याय, यही मुक्ति का उपाय मोक्ष। और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा उसी ज्ञान यज्ञ से जुड़ा हुआ मुक्ति का मोक्ष प्रदान करने वाला ग्रंथ है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये तीनों इस पवित्र ग्रंथ में भरे पड़े हैं।